क्या बात क्या हुई थी जी? ये जो लाइटें हैं, लाइटों के ऊपर दो लाइनें चल रही हैं, दो लाइनों के बीच में तीसरी लाइन बना देते हैं, दैट्स इट। और ये देखो लगभग ये लो। तो कहाँ आपने समझाने की कोशिश? मैंने समझाया, आगे से अगड़ते हैं ये, चार चार पांच पांच और खड़े हो गए हैं, वो देखो पीछे। मैं इसका लाइसेंस मांग रहा, इससे लाइसेंस मांगो इससे लाइसेंस। नंबर मांगो, ये नंबर लिखना। अरे क्या बात हुई है भैया, मेरा कहने का मतलब ये है, ये भी ठीक है गाड़ी चला रहा है, वो भी गाड़ी चला रहे भाई साहब, पीछे वाला आगे था वो पीछे थे। मेरा कहने का मतलब ये था, अगर एक ने गलती कर दी दूसरे को थोड़ा रुक जाना चाहिए, पीछे रुक जाना चाहिए, नहीं रुक जाना चाहिए। ये नहीं रगड़ती जा रहा है, रुकना चाहिए। ये नहीं बात, गाड़ी में लगी रिक्शा, गाड़ी में रिक्शा पीछे, ये गाड़ी पीछे थी, गाड़ी पीछे थी, उन्होंने भी सोचा मैं निकाल लूँ आगे थोड़ा। ये भी कह रहा मैं इसका लाइसेंस दिखाओ मेरे को, लाइसेंस यार एक बात बताओ, लाइसेंस इसका लाइसेंस कहाँ है वो जानता होगा, देखो लाइसेंस के बारे में इसका नंबर दिखाओ, ये गाड़ी का नंबर दिखाओ। लगी थी रिक्शा, लगी थी जी रिक्शा, लगी वो आगे था रिक्शा वाला, वो पीछे था, तो रोकिए रिक्शा वाले, रोक लीजिए। हमने बोलो भाई साहब को ये कहा पीछे, भाई भाई साहब आप रुक जाओ, वो वहाँ से आगे है तो आप पीछे रुक जाओ। ऐसे मतलब देखो ठीक है, अगर एक ने गलती कर दी दूसरे को गलती नहीं करनी चाहिए, थोड़ा पीछे हो जाओ, क्या हो गया? पहले चोट लगी हुई है, अब तो पहले डरे बैठे, गलत चला रहा है रिक्शा, क्या करा कि जैसे उसके पास लाइसेंस आगे निकलने की वजह से थोड़ा पीछे आगे आ गया। मैंने इनको ये कहा थोड़ा आराम से चलो, कोई कोई जल्दबाजी नहीं है, ये तो बात हमने कही इनको, पर बाकी इनको भी हमने ये कहा भैया आप ही थोड़ा सफर कर लो, थोड़ा पीछे होना, पीछे वाले को थोड़ा देखना चाहिए। आगे एक बात आ गया, मैंने ब्रेक दे, एक बात मैंने शीशा डाउन करके यही कहा, भाई ध्यान से चला। और आप बीच में मुझे नसीहत दे रहे हो, मैंने ये कहा, मैंने फिर गाड़ी रोक के आपको पूरी नसीहत दी है कि रूल क्या है और गाड़ी कैसे चलनी चाहिए। दो लाइनों के बीच में अगर रेड लाइट है, रेड लाइट के ऊपर थर्ड रो नहीं बनानी चाहिए, थर्ड रो बना रहा बंदा। हम ये कहते हैं अगर एक ने गलती कर दी तो थोड़ा दूसरे को भी समझना, गलती कर दी जब उसको, अगर ये अगर हम गलती पे गलती करते जाएंगे तो फिर तो झगड़े वाली बात है। देखो ये बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, ये बिना लाइसेंस के चलाएगा, गलती पे गलती करता जाएगा, इसको यहीं पे बाउंड कर देना चाहिए, इसको यहीं पे बाउंड करना चाहिए। भैया है कोई दस्तावेज आपके पास? किया सर, पुलिस को बुलाया आपने? लाइसेंस मंगाया घर से, लाइसेंस मंगाया घर से मंगवाया है लाइसेंस आपके पास? आपकी गाड़ी का क्या नंबर है? गाड़ी का नंबर पता नहीं, पप्पा को याद है। गाड़ी का नंबर पता नहीं, लाइसेंस आपके पास है नहीं, गाड़ी चलानी आती नहीं, मैं चलाते नहीं पापा। करनाल पुलिस द्वारा स्टिकर लगाए गए, आपकी गाड़ी का नंबर है? कोई स्टिकर नहीं है आपका? है भाई, अगर आपकी सवारियों पे, चलो आपको भी चोट लगती, जो सवारियां इस ई रिक्शा पे मौजूद थी, अगर उसको चोट लगती उसका जिम्मेवार कौन होता? मैं ही होता। गलती मानते हैं? हां जी, गलती को मान ली मैंने, बल्कि पीछे से हुई थी, पीछे आप अपनी गलती मानते हैं? मानते हैं जी। भाई साहब इसने अपनी गलती मान ली है, गलती मान ली है मैंने अपनी। चलो मैं क्या कह सकता हूँ, ये गरीब आदमी है, पर ये बिना लाइसेंस के नहीं चलना चाहिए, इसकी चाबी दे दो आप। देख फिलहाल क्या नाम है सर आपका? ये बिना लाइसेंस के क्या नाम है सर? मेरा नाम गिरीश मल्होत्रा। देखिए गिरीश मल्होत्रा है, और किस प्रकार से जो ई रिक्शा चालक हैं वो अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, ये देखिए ये है इनका नंबर, जो चालक है इनको पता नहीं कि नंबर क्या है, ये देख लीजिए, ये साहब देख लीजिए ये इनका नंबर है, तो बहुत बुरे हालात है, ई रिक्शा के बहुत बुरे हालात है। और इसी प्रकार से जो ई रिक्शा है वो कहीं ना कहीं जिनके अंदर सवारियां बैठी होती हैं वो भी चोटिल जरूर हो सकते थे। कोई और भी ई रिक्शा वाले आए थे सर? हाँ पहले रुके, मैंने उन्हें बताया बिना लाइसेंस के चला रहे, वो चले गए, उसकी सपोर्ट नहीं की। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से, भैया ये पकड़ो अपनी चाबी, थोड़ा सा ध्यान रखो यार, आराम से रिक्शा चलाओ, आपकी गाड़ी के अंदर चार सवारियां होती हैं, अगर उनको चोट लग जाती या कुछ हादसा हो जाता उसका जिम्मेवार कौन होता? मानते हो ना आप इस बात को या नहीं मानते? गलती को मान ली मैंने, ये नहीं, आपने तो गलती मान ली, अब मान ली गलती आपने, आप गलती करती क्यों हो? जिम्मेवारी है यार आपके, आपकी सवारी, आप सारा दिन सवारियां ढोते हो, पीछे छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, उनको चोट लग जाती है उसका जिम्मेवार कौन होता है यार? लाइसेंस आपके पास नहीं है, नंबर प्लेट आपकी ठीक नहीं है, जो निगम द्वारा नंबर प्रोवाइड किए गए थे वो तक आपके पास नहीं है, थोड़ा ध्यान से चलाओ। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ई रिक्शा चालक हैं वो जब इस प्रकार से रिक्शा चलाएंगे तो फिर संभव है कि चोटिल जरूर होंगे, लोग चोटिल जरूर होंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीर है जहां पर किस प्रकार से एक जो विवाद है वो यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा था। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।